नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। शामली जनपद की कैराना विधानसभा सीट से सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी मां पूर्व सांसद तबस्तुम हसन पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। विधायक नाहिद हसन व पूर्व सांसद तबस्तुम हसन सहित 40 समर्थकों पर जिलाधिकारी के अनुमोदन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। कैराना थाने में इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दरअसल नवम्बर माह 2020 में सपा विधायक नाहिद हसन ने अपने समर्थकों के साथ कैराना थाने का घेराव किया था और पुलिस द्वारा सपा समर्थकों पर फर्जी मुकदमे लादने का आरोप था, जिसको लेकर कैराना में काफी हंगामा हुआ था। उसी दौरान कोविड-19 उल्लंघन में सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का सपा विधायक नाहिद हसन व उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और इस पूरे प्रकरण की जांच डीएम शामली द्वारा कराई गई थी। जिलाधिकारी जसजीत कौर के अनुमोदन के बाद कैराना सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्तुम हसन सहित 40 समर्थकों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। दरअसल नाहिद हसन एक दबंग किस्म के विधायक हैं और आए दिन अपने विवादित बयानों व हंगामों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। पूर्व में भी नाहिद हसन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिनको सार बनाते हुए पुलिस व प्रशासन ने एक्शन लिया है। विधायक नाहिद हसन पूर्व में भी कई अधिकारियों से अभद्रता व चोरी की गाड़ी रखने के आरोप में जेल जा चुके हैं। प्रशासन ने एक बार फिर विधायक नाहिद हसन व उनकी माता तबस्तुम हसन पर शिकंजा कसा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनके विरुद्ध यह कार्यवाही कैराना कोतवाली थाने में हुई है और इसी के नियमानुसार उन पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।